हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ओपीजी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपके बैक ना लगे और अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा। आइदर आप कोई से भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एमएससी नर्सिंग सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर लीजिएगा। हम लोग कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है वो भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है डिफाइन लेबर की डेफिनेशन आपको बतानी है इसके अंदर। देन मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैकेनिज्म क्या होता है लेबर का वो बताना है। देन स्टेजेस ऑफ लेबर, कितनी स्टेज होती है लेबर की उन्हें आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर है राइट द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, आपको लेबर के कॉजेज बताने हैं, ऑनसेट ऑफ लेबर के कौन कौन से कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद राइट द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, आपको फर्स्ट स्टेज जो होती है लेबर की उसके इवेंट्स बताने हैं। देन है मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जो सेकेंड स्टेज है लेबर की उसका आपको मैनेजमेंट बताना है। तो ये क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये 101% आपको एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन नॉर्मल प्यूपेरियम, नॉर्मल प्यूपेरियम क्या होता है वो बताना है आपको। देन फिजियोलॉजी ऑफ प्यूपेरियम, फिजियोलॉजी क्या होती है प्यूपेरियम की। देन मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्यूपेरियम, तो ये प्यूपेरियम से ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और आप इन्हें राइट डाउन भी जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, आपको मिडवाइफरी की डेफिनेशन बतानी है, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की डेफिनेशन बतानी है। राइट द ट्रेंड्स इन द मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, आपको ट्रेंड्स बताने हैं मिडवाइफरी के और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा डिजीज़ पोर्शन का, डिजीज़ पोर्शन में कौन कौन सी डिजीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो डिजीज़ है वो है एबॉर्शन, आपको एबॉर्शन के ऊपर डिजीज़ का क्वेश्चन आ सकता है, एंटीपार्टम या पोस्टपार्टम हेमरेज का आ सकता है। नेक्स्ट है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न एंड प्रिपेरियल सेप्सिस। इन क्वेश्चंस ये जो वो डिजीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है आने के, तो ये आपको आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स है असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, असेंशियल न्यूबॉर्न केयर क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेल्विस, फीटल स्कल, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन एंड सिजेरियन सेक्शन एंड फीटल सर्कुलेशन, ये वो सब शॉर्ट नोट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर ऐड होइएगा। इसके अलावा आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन एंटीनेटल केयर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर, प्रिपेयर एन एजुकेशनल प्लान फॉर ए प्रेगनेंट वुमन, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एंटीनेटल केयर बतानी है क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने और आपको हेल्थ एजुकेशन प्लान बनाना है एक प्रेगनेंट वुमन का। ओके, नाउ कुछ शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन और है, मेटरनल सेप्सिस, ऑक्सीटॉक्सिक्स, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज, प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया और हाई रिस्क अप्रोचेज, तो ये वो सब क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओबीजी के अंदर। आपको और कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर ऐड होइएगा। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।